हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फॉरगेटेन, जिसे लिखा था रॉबर्ट एल ने। रॉबर्ट एल ने इसमें ये दिखाया है दोस्तों कि फॉरगेटिंग मतलब हम कौन चीज़ें फॉरगेट कर देते हैं और कुछ चीज़ें याद रखते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हम भूल जाते हैं यानी फॉरगेट कर देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रहती है। कभी कभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी भूल जाते हैं और कभी कभी हम ऐसी चीज़ें भी याद रखते हैं जिससे हमें परेशानी होती है पर हम उसे भूल नहीं पाते। और इन्हीं भूलने की बीमारी को लेकर के रॉबर्ट यल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये सोचते हैं कि आखिर इंसान क्यों कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि ज़रूरी होता है और उन चीज़ों को नहीं भूलते जो ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसा क्या कारण है? यह हुआ इंट्रोडक्शन। अब आइए हम जानते हैं रॉबर्ट विलियम एल यानी कि राइटर के बारे में। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879 में और इनकी डेथ हो गई 6 अक्टूबर 1949 में। यह एक आयरिश राइटर थे, एडिटर ऑफ पोएट्री थे। अरेबियन लिटरेरी में यह एक बहुत ही अच्छे एसेस्ट हुए और स्ट्रॉन्ग आयरिश नेशनलिस्ट भी रहे। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी द मेंडल ऑफ द एम्पायर, द बुक ऑफ दिस एंड दैट, ओल्ड एंड न्यू। तो आइए अब हम ऐसे में चलते हैं। ऐसे की शुरुआत होती है ह्यूमन ब्रेन से, यानी कि मनुष्य का दिमाग इतना तेज है जो कि ना सिर्फ आज की बातें बल्कि कई साल पहले बीती हुई बातें भी याद कर सकता है। और इंसान को यह भी याद होता है कि वो एक साल पहले कहाँ घूमने गया था और किस डेट पे गया था। और कुछ इंसान तो ये भी याद रखते हैं कि उस हीरोइन ने या उस हीरो ने कौन से कपड़े पहने थे और उसका ड्रेसिंग सेंस क्या था। और हम वुमेंस इतने तेज हैं कि हमें यह भी याद रहता है कि हमने कौन सा खाना कब और कहाँ और किस होटल में खाया था। हमें यह भी याद होता है कि हमें आज कौन सी ज्वेलरी पहननी है और इस ड्रेस पे कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी। हमें ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बहुत मालूम होता है, यहाँ तक कि अगर हम 10,000 लोगों में से छांटना स्टार्ट करें कि किन्हें अपने कपड़े पहनना याद नहीं रहा तो शायद वो कोई नहीं होगा। और कोई भी नहीं होगा जो अपने घर से निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे को लॉक ना करता हो। पर हाँ, अगर हम इस चीज़ को दूसरी तरह से देखें यानी घर से निकलते ही अगर हम लाइट ऑफ करने के बारे में पूछें तो शायद बहुत से लोग होंगे जो ये भूल जाते हैं कि हमें अपने घर के बाहर की लाइटों को ऑफ कर देना चाहिए अगर हम कहीं बाहर जा रहे हों तो। राइटर कहते हैं कि भला कोई लाइट ऑफ करना कैसे भूल सकता है, ये तो छोटा सा काम है। उसके बाद वो कहते हैं ये तो कुछ नहीं, मैंने और भी सोचा और जाना है कि लोग जो होते हैं वो और भी कई चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो रेलवे कंपार्टमेंट के बाहर आपने एक रूम देखा होगा जो कि रेलवे कैंपस के ही अंदर होता है और वहाँ लिखा होता है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने ट्रेन में खोई है और जो चीज़ें रेलवे विभाग को मिली है वो आप आकर ले सकते हैं। पोइट इन्हीं सब चीज़ों पे कंफ्यूज हैं कि भला कोई अपना फेवरेट थिंग्स कैसे छोड़ सकता है। और ये जो चीज़ें छूटी हैं वो किसी बुजुर्ग की नहीं है बल्कि इसमें फुटबॉल, हॉकी स्टिक्स और गोल्फ स्टिक्स हैं जो कि जवानों के खेल हैं। और एथलीट उन्हें कैसे भूल जाते हैं जबकि उनका कैरियर इसी गोल्फ स्टिक और फुटबॉल पर डिपेंडेंट है, फिर भी वह उन्हें भूल जाते हैं। अब वो ऐसा कैसे करते हैं ये तो पोएट नहीं जानते, पर राइटर हमसे एक बात कहते हैं कि ये चीज़ें कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं छोड़ता जबकि उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जबकि जवान व्यक्ति छोड़ते हैं। इसके बाद पोएट कहते हैं कि हम खाना खाना कभी नहीं भूलते पर जब किसी को दवाई खानी होती है तो वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
पोएट यह सोचते हैं और नतीजे पर निकलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं जैसे कि खाना, तो ब्रेन हमें यह बताता है कि हमारे खाने का वक्त हो गया है। पर अगर हम मेडिसिन को देख लें, दवाइयों को देख लें, तो हमारा मन नहीं करता कि हम दवाई खाएं, इसलिए ब्रेन हमारे मेमोरी से उन्हें डिलीट करने लगता है। इसका हम ताल्लुकात दुख से भी कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन दुख को भी भूलने की कोशिश करता है। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि हम और भी चीज़ें भूलते हैं, जैसे कि हम लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट करना अक्सर भूल जाया करते हैं। और ये सब चीज़ें कब होती हैं? तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम आलस में रहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम लेटर बॉक्स पे आज हम लेटर डालेंगे, फिर हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हम पीछे जाकर लेटर बॉक्स डाल दें, पर हम इतना आलसी हो जाते हैं उस लेटर को देखकर कि कहते हैं कि आगे एक और लेटर बॉक्स आएगा तो हम वहाँ डाल देंगे। और ऐसा करते करते हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें लेटर को पोस्ट करना था, लेटर बॉक्स में डालना था। और इससे हमें सोसाइटी में एक अजीब ढंग से देखा जाता है, यानी जिसका वो लेटर बॉक्स होगा और जिसने हमें वो लेटर दिया होगा और हम उसकी लेटर को नहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो वो ये ऐसा सोचने लगता है कि हम उसके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, लोग कई बार उन चीज़ों को भी भूल जाते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि जब भी कोई आदमी फिशिंग रॉड में फिशिंग करने जाता है तो हम फिशिंग रॉड को गाड़ी में ही भूल जाते हैं, यानी कि जिस गाड़ी से हम आए थे उसी गाड़ी में भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है, जैसा कि अगर हम किसी क्रिकेट मैच को देख के या खेल कर आ रहे हों तो हम क्रिकेट किट को बस में ही भूल जाते हैं जिससे हम घर आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दवाइयाँ तो हम इसलिए भूल रहे थे क्योंकि हमें पसंद नहीं थी दवाई खाना, पर फिशिंग रॉड और क्रिकेट किट ये तो हमारे पसंदीदा चीज़ हैं। तो हम तब भी बातें भूलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या खुश होते हैं, जिससे हम यह सोचने लगते हैं कि हमने कितनी मछलियाँ पकड़ी, या फिर हम कितने अच्छे बैट्समैन हैं, या फिर हमने जो आज मैच देखा वो कितना अच्छा था। और इस एक्साइटमेंट में हम वो चीज़ ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं जिससे हमें यह खुशी मिली है। अब ऑथर ये बातें समझ गए कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को तो भूलता ही जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को भी भूल जाता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम उस वक्त उस एक्साइटमेंट में खो जाते हैं, उस एक्साइटमेंट को सोचने लगते हैं, जिस कारण हमारा ब्रेन उस चीज़ों को भूल जाता है। अब ऑथर खुद लास्ट में आते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिस वजह से हमारा ब्रेन तेज़ दौड़े और ये चीज़ें ना भूलें। ऑथर कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसका दिमाग इतना तेज हो कि वो सारी बातें याद रख सके। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े राइटरों, फिलोसफरों को भी भूलते हुए देखा है। और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा माइंड नई नई चीज़ों को सोचने में लगा है, इसलिए हम पुरानी चीज़ें भूल जाया करते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि अब से अगर आपका माइंड कुछ भूल जाता है तो आप गुस्सा ना करें, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, बल्कि यह समझें कि आपका जो ब्रेन है वो नई चीज़ें और कई चीज़ों में उलझा हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, इसलिए वो कुछ चीज़ें भूल जाया करता है। और यही थी दोस्तों रॉबर्ट लेड की ऐसे जिसका नाम था फॉरगेटिंग। आपको ये ऐसे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।